हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू इशिताज लाइफ। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूं। करते हो सभी भी बहुत अच्छे होगे, प्यार से होगे, खुश होगे। तो आज हमारी सवारी निकली है बंजारी के लिए, क्योंकि जैसे कि अभी नवरात्र चल रही है तो देवी देखने का माहौल है, तो हम भी चले देवी देखने। तो चलिए मेरे साथ। जैसे हम बंजारी गए थे, बट बंजारी जाते जाते हमारा प्लान बना कि इधर छिंदवाड़ा में हमारी दादी बुआ रहती है, तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी और साथ में हमारे सिमरिया वाले हनुमान जी से भी मुलाकात हो जाएंगी। तो अभी हम आए हैं सिमरिया, सो चलिए आपको भी दर्शन कराती हूँ हमारे प्यारे से हनुमान जी का। आप लोग भी कर लो हमारे प्यारे से हनुमान जी के दर्शन। तो अभी हमारे हनुमान जी के दर्शन हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं राम जी के दर्शन करने, क्योंकि अगर हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे और राम जी के नहीं करेंगे तो हनुमान जी ऑब्वियस सी बात है गुस्सा हो ही जाएंगे। सो इसके बैक साइड में, मतलब नीचे साइड में है ये मंदिर राम जी का, तो हम चलते हैं अभी वहाँ पे। यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा सुकून मिलता है यार, बहुत सुंदर। वाओ, आपको पता है मैं अंदर गई आपको दिखाने के लिए। वहाँ पर ना एक देवी माता है, राम जी है, सीता है और बहुत कुछ है। सो नाउ हमने अपनी चप्पल पहन ली है और अभी हम चलते हैं दादी के यहाँ, क्योंकि हमें यहाँ से दर्शन जल्दी से करना था, क्योंकि हमें जाना था नानी के यहाँ। सो इन फ्रंट बैठी है हमारी बड़ी मम्मा। मम्मा हाय करो। अभी हम जा रहे हैं बुआ दादी के यहाँ, जो कि मेरे मम्मा की बुआ है, पर वो बहुत ज़्यादा हमारे करीब है तो हमें उनकी याद आती रहती है। तो हम अभी जा रहे हैं छिंदवाड़ा उनसे मिलने के लिए। हमने सिमरिया के हनुमान जी के दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए हैं, पर टाइम की कमी होने के कारण हमें वहाँ से जल्दी से निकलना पड़ा। सो अभी पहुँच गए हैं हम हमारे बुआ दादी के यहाँ और उनको देते हैं सरप्राइज कि हम आ चुके हैं। वैसे उन्होंने पहले से बताया नहीं था कि हम आने वाले हैं। चलो, hey! आ चुके हैं हमारी बुआ दादी के यहाँ। तो ये है मेरी मम्मा की बुआ और मेरी हुई है दादी। नानी नहीं, दादी ना, मामी। पापा की तरफ रिश्तेदार दादी, मम्मी की तरफ रिश्तेदार नानी। हाँ, तो अभी आपने पीछे भी देखा होगा वीडियो में कि मैंने दादी बोला होगा, अब उसको करेक्ट करके नानी कर दो। हाँ। सो ये हुई मेरी नानी, क्योंकि मराठी में दोनों तरफ को आजी आजी बोलते हैं। हाँ। ये है एकदम सही, करेक्ट। अभी हमारा सडनली प्लान बना, जैसे कि मैं नानी के यहाँ गई थी तो वहाँ से प्लान बना कि हम चलते हैं कालीबाड़ी मंदिर, ऐसा कुछ है जो कि काली माता का मंदिर है। तो हम यहाँ पर आए हैं। सो हियर आई इंट्रोड्यूस माय मामा। ये है बड़े मामा जिनका नाम है गौरव मामा, और ये जो आगे जा रहा है वो है सौरभ मामा। Thank you.
जा रहे हैं राम मंदिर देखने के लिए, और इस उसके बाहर का व्यू देखो कुछ ऐसा है। और चलो अभी गए हैं मामा हमारे लिए लस्सी लेने के लिए, क्योंकि मुझे फास्ट है तो मुझे बाकी का कुछ तो चलता नहीं, तो बस वेट वेट एंड वेट। तो यहाँ आ गए हैं मामा और उन्होंने साथ में पैक करके सबके लिए लस्सी भी ला ली है, और ये अभी हम घर जाके पियेंगे। तो अभी मुझे इन तीनों ने भी गाड़ी में बिठा के रख दिया है, और ये लोग चले गए हैं मास्टर ठूसने के लिए। और चलो ठीक है, वैसे मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ क्योंकि दो टाइम का फास्ट है मेरा। उस दिन भी जब मैं यहाँ आई थी छिंदवाड़ा, तब भी मेरा ऐसा ही हुआ था, सब ने पकौड़े खाए मुंगोड़े खाए और मैंने नहीं खाया, और आज भी ऐसा ही हुआ। ये सब लोग चले गए और मैं नहीं खा पा रही हूँ, मेरे लिए इन्होंने लस्सी ली है, अब वो घर जाके पीऊँगी, अब यहाँ तो नहीं पीती मैं। और अभी ना जैसे कि आते वक्त हम बंजारी माता के मंदिर में नहीं जा पाए, हम डायरेक्टली पहले सिमरिया गए, हनुमान जी के दर्शन किए, और उसके बाद हम चले आए नानी के यहाँ, बुआ नानी के यहाँ। पर अभी हम जाते टाइम ऐसा भैया भाई बोल रहा था कि हम रुकेंगे वहाँ पर और वहाँ के भी दर्शन ले लेंगे, तो देखते हैं कि वहाँ के दर्शन हो पाते हैं या नहीं। मुझे तो नहीं लगता क्योंकि बहुत ज़्यादा नाइट हो जाएंगी, तब भी देखते हैं। और मुझे मेरे सिटी के भी देखना था, मतलब सौसर के भी देखना है देविया जो बैठी है, बट अगर टाइम होगा पॉसिबल होगा तो हम आज ही देखेंगे, नहीं तो फिर मैं वहाँ पर आपको कभी और ले जाऊँगी। तो अभी हम आ चुके हैं घर, चलो इतना सारा ठूस क्या मेरे लिए, नहीं लस्सी है वो। चलो अभी बाय बाय तो हो चुका है, अभी चलता है घर और देखते हैं कि बंजारी माता के दर्शन हो पाते हैं नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि नहीं होगा। और देखो ऐसा ही हुआ, मंदिर बंद हो चुका है क्योंकि 10 से ज़्यादा बज गए थे। तो अभी हम आ चुके हैं छिंदवाड़ा से हमारी सिटी सौसर, और अभी हम देखेंगे यहाँ की देवी। तो हम जा रहे हैं अभी मोक्षधाम, और हम देखने वाले हैं मोक्षधाम की देवी। सो चलिए, मैंने ऐसा सुना है और मैंने वीडियोस में भी देखा है कि वो बहुत ज़्यादा भयानक है, तो हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है सभी लोग उन्हें देखने के लिए। तो चलिए आप भी चलिए और मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो अभी हम सब निकल चुके हैं देवी देखने के लिए, और यहाँ पर जस्ट अभी गरबा ख़त्म हुआ है शायद। वैसे मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया था, मतलब मैं सोच रही थी कि यहाँ पर हमेशा ऐसी भयानक देवी क्यों बिठाई जाती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब यहाँ आगे ना मोक्षधाम है ना, इधर है ना, तो इधर मोक्षधाम रहने के कारण यहाँ की देवी हमेशा मतलब ऐसी भयानक बिठाई जाती है, क्योंकि समझ सकते हो आप। तो अभी हम आए हैं
वैष्णव देवी की है, तो मतलब इसका नाम ही वैष्णव देवी सोसाइटी, ऐसा कुछ वैष्णव सोसाइटी। तो यहाँ पर भी देवी माता का मंदिर है प्रॉपर, तो चलते हैं वहाँ पर। बहुत ज्यादा ऑसम राइडिंग करा रखी है इन्होंने। चुके हैं बड़ी मम्मी के घर पर, और अभी मैं और पापा जाने वाले हैं अपने घर पर। तो मैं अभी बेड़ी हूँ, पूरी देवी देख के हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लास्ट का बहुत ही अच्छा था। और अभी मम्मी लेट कर रही है, जैसे भी आती है हम चलते हैं।